दूसरा है कि नफ्सियात के लफ्ज को जो है ना बड़ा ही मिस यूज किया गया है, उसका बड़ा ही नेगेटिव इमेज है हमारे मुल्क में। नफ्सियात के उर्दू में आप मतलब समझें तो उसका मतलब है दिमाग, माइंड, ब्रेन। अच्छा, दिमाग की जो अमराज है उसे नफ्सियाती अमराज कहते हैं। अब हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बना लिया है कि नफ्सियाती मरीज का मतलब है सिर्फ पागलपन। अच्छा, अगर हम देखते हैं कि दिल है, फॉर एग्जांपल, दिल के अमराज हजारों तरह के होते हैं। छोटा सा एंजाइना का अटैक भी होता है, कोई पेन हुआ, अर्ली वार्निंग साइंस आ गए, ईसीजी में माइल्ड चेंजेस आ गए। इसका मतलब नहीं कि हर दिल के मरीज को जो है ना स्टेंट लगने हैं या बाईपास होना है या उसकी आर्टरी सारी ब्लॉक हो गई हैं या वो मरने के करीब है। इस तरह जितने डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, चाहे वो जिगर हो, चाहे गुर्दे हो, चाहे पैनक्रियास हो या कोई भी और ऑर्गन हो, इसमें भी डिफरेंट लेवल होते हैं। माइल्ड मतलब बहुत छोटे लेवल के प्रॉब्लम से, दरमियाने लेवल से बड़े लेवल तक। नफ्सियाती अमराज भी इसी तरह हैं। छोटे अमराज में कुछ एंजाइटी, घबराहट की बीमारियाँ आ जाती हैं, बेचैनी की, मायूसी की, नींद नहीं आना है, सर में दर्द हो रहा है, परेशानी की सोचें आ रही हैं और आजकल ये बड़ी कॉमन होती जा रही हैं, तो क्या हम उसको नफ्सियाती अमराज नहीं कहेंगे? और लोग परेशान हो जाते हैं कि ये हमें नफ्सियाती मरीज कह रहे हैं। नफ्सियात सिर्फ एक ब्रेन या माइंड से रिलेटेड कोई बीमारी है, और जितना इम्पोर्टेंट एक दिमाग है किसी भी इंसान के लिए, मैं समझता हूँ उससे इम्पोर्टेंट ऑर्गन शायद कोई और हो जिस्म के अंदर। तो अगर हम अपने दिमाग का ख्याल रखेंगे, उसे नॉर्मल और कंफर्टेबल फील करेंगे, तो हमारी सोचें नॉर्मल होंगी, हमारी महसूसात नॉर्मल होंगी, हमारा बिहेवियर नॉर्मल होगा, और इसी से फिर ये कि हम सही से फंक्शन कर सकेंगे, काम पे कर सकेंगे, रिलेशनशिप पे कर सकेंगे, सही फैसले ले सकेंगे। तो ये बड़ी ज़रूरत है आजकल के दौर में कि हम अपनी नफ्सियात को का ख्याल रखें, और अगर ज़रूरत पड़े तो उसका इलाज कराएं। बिल्कुल ठीक है, और ये हर शख्स के साथ हो सकता है। मैं अक्सर ये